था, टाटा पावर के बारे में भी रवि उन्होंने राय पूछी थी। टाटा पावर हमने देखा था कि अच्छे तरह से ये शेयर चला था, लेकिन एक लंबा समय हो गया जब ये 200 रुपए के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये शेयर 300 रुपए के भी भाव इसमें निवेशकों ने देखे, लेकिन उसके बाद हमने उत्साह ज्यादा देखा नहीं। आपको क्या लगता है रवि कि किसी के पास अगर है नहीं तो वो ले ले टाटा पावर, जिनके पास है पहले से थोड़े से ऊपर के भाव पर हैं वो इंतजार करें, या फिर निकल के कोई बेहतर विकल्प की तलाश करें? देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, आपने अगर पावर के पूरे पावर ग्रुप को भी मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। देखिए इस समय पावर की रिक्वायरमेंट इंडिया के जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से कंपनी के शेयर्स में टाइम लगेगा। मतलब आपको अगर आप साल भर 3 साल का निवेश करके रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक्स अपने अपर वैल्यू की तरफ जाएंगे। टाटा पावर पर्टिकुलरली बात कर लेता हूं, जब तक 198 के ऊपर है तब तक आप बिल्कुल बुलिश रहिए, जितना नीचे 10 लाख से भी ज़्यादा वैल्यू का जो कोर्सेज है जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज हो गया, टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, सारा का सारा कोर्सेज बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है। आप जैसे ही धन डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर लेते हो, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस AMC कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं है। उसके अकाउंट ओपनिंग करने के बाद नीचे एक और गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को आप जैसे फिलअप कर दोगे उसके बाद आपको इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। 98 के पास मिलता है आपके लिए उतना अच्छा है, आप उसको खरीदिए। 220 235 255, ये लक्ष्य आते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो निकल जाइए, अगर आप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के तो भी आप 50% प्रॉफिट पोजीशन बुक कर लीजिए और फिर से नीचे लेवल पे आता है खरीद लीजिए। इस तरीके की जॉबिंग का लेवल रखिए। सेम आप अदानी पावर की जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, मैं उसकी भी यही कहूंगा कि जब तक 270 के ऊपर है अभी का जो करंट लेवल है इनमें भी खरीदिए। 300-320 आता है निकल जाइए, वापस 275-280 का वेट करिए। इस टाइप की स्ट्रेटेजी रखिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करते रहिए तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक मार्केट में बनी रहेगी।